इंडियन प्रीमियर लीग की सभी फ्रेंचाइजी आज यानी कि 15 नवंबर रिटेंशन या रिलीज खिलाड़ियों का ऐलान करेगी। फ्रेंचाइजियों की लिस्ट सामने आने से पहले ही एक दिग्गज खिलाड़ी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इस खिलाड़ी ने अचानक आईपीएल से संन्यास ले लिया। ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम मुंबई इंडियंस के बड़े मैच विनर्स में से एक है। इस खिलाड़ी ने अचानक लिया संन्यास। साल 2010 से मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा रहने वाले किरण पोलार्ड ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि मुंबई इंडियंस दिग्गज ऑलराउंडर किरण पोलार्ड को रिलीज कर सकती है, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही ये बड़ा फैसला ले लिया। मुंबई इंडियंस के लिए लिखा खास पोस्ट। किरण पोलार्ड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर आईपीएल से संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने इस पोस्ट में मुंबई इंडियंस के लिए लिखा, ये फैसला लेना आसान नहीं था क्योंकि मैं कुछ और वर्षों तक खेलना चाहता हूं, लेकिन मुंबई इंडियंस के साथ चर्चा के बाद मैंने अपने आईपीएल करियर को अलविदा कहने का फैसला किया। मुंबई इंडियंस को बदलाव की जरूरत है। अगर मैं अब मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेल सकता तो फिर मैं खुद को मुंबई के खिलाफ भी खेलता हुआ नहीं देख सकता। मैं हमेशा के लिए मुंबई इंडियंस का रहूंगा। आईपीएल 2022 में रहे फ्लॉप। वेस्ट इंडीज के किरण पोलार्ड आईपीएल 2022 में काफी फ्लॉप रहे थे। इस सीजन में मुंबई इंडियंस को 10 मैचों में हार का सामना भी करना पड़ा था। पोलार्ड गेंद और बल्ले से कमाल नहीं दिखा पाए। किरण पोलार्ड ने आईपीएल 2022 के 11 मैचों में 144 रन बनाए और 4 विकेट हासिल किए। पोलार्ड की खराब फॉर्म का खामियाजा टीम को हार कर चुकाना पड़ा। इसी वजह से कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया था। ऐसा रहा आईपीएल का सफर। किरण पोलार्ड ने आईपीएल में कुल 189 मैच खेले। इन मैचों में उन्होंने 28.67 की औसत और 147.32 की स्ट्राइक रेट से 3,412 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 16 अर्धशतक भी निकले। किरण पोलार्ड ने मैचों में 8.79 की इकोनॉमी से 69 विकेट भी हासिल किए।